स्टूडेंट्स, माय नेम इज दीपांशी और आज हम बात करेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड कंजम्पशन, हम एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू थ्री बेसिक टाइप्स, जिनमें से हमारा फर्स्ट टाइप कौन सा है? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स के एग्जाम्पल्स कौन से हैं? काओ और बफलो। ये बेसिकली वो एनिमल्स हैं जो प्लांट्स कंज्यूम करेंगे या प्लांट्स से मिला कोई भी फूड कंज्यूम करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम बात करते हैं कार्निवोर्स की। कार्निवोर्स के एग्जांपल कौन से हैं? लिजर्ड या लाइन। बेसिकली वो एनिमल्स जो मीट या किसी और इंसेक्ट को खा रहे हैं, वो कौन से होते हैं? हमारे कार्निवोर्स। मूविंग टू द नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट टाइप आता है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स की बात करें तो ये बेसिकली वो वाले एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स भी हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज ये वो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट एज वेल एज मीट दोनों पार्ट्स से फूड कंज्यूम करते हैं, दोनों पार्ट्स को कंज्यूम करते हैं। मूविंग टू द लास्ट सेक्शन, में आपको एक होमवर्क देना चाहूँगी। होमवर्क बेसिकली ये है, हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स, कार्निवोर्स, जैसे कि अभी मैंने आपको पढ़ाया, आपको इन तीनों के एग्जाम्पल्स लिखने हैं एनिमल्स के, या आपको कोई और डिफरेंसेस इन तीनों में मिल रहे हैं तो आप इनको प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। एंड विद दिस हमारे टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर के वो कंप्लीट होते हैं। एंड नाउ वी विल मूव टू आवर क्वेश्चन आंसर्स। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक ऑल द ऑर्गेनिजम्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या लगता है आपको कि जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या सबकी फूड रिक्वायरमेंट सेम है? द आंसर वुड बी नो। क्यों? क्योंकि हर किसी को अलग काइंड ऑफ एनर्जी चाहिए, अलग टाइप ऑफ फूड चाहिए। उसी के बेसिस पे मैंने आपको पहले भी चैप्टर में करवाया था कि हम तीन टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं अपने एनिमल्स को, जो कि हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स, एनिमल्स दैट फीड ऑन ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल क्या थे? काओ, बफेलो, शीप, गोट एट्सेट्रा। सेकेंड थे हमारे कार्निवोर्स, वो वाले एनिमल्स जो मीट कंज्यूम करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे, लाइन, लिजर्ड, चीता एट्सेट्रा। नेक्स्ट आर ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स का एग्जाम्पल मैंने आपको ह्यूमन बीइंग बताया था। क्यों? क्योंकि वो फूड अपने एनिमल्स से भी लेते हैं और प्लांट्स से भी लेते हैं। ये है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज, नेम फाइव प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी कंज्यूम। प्लांट्स के कुछ ऐसे पांच पार्ट्स बताइए जहाँ से हमें फूड मिलता है और वो हमें किस टाइप का फूड देते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कैरेट की, कैरेट हमें कहाँ से मिलता है? हमें मिलता है रूट पार्ट से। सेकेंड इज पीज, पीज हमें कहाँ से मिलता है? सीड पार्ट से। थर्ड एग्जाम्पल इज ऑफ एप्पल, एप्पल हमें कहाँ से मिलता है? फ्रूट्स पार्ट से। फोर्थ इज कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर हमें कहाँ से मिलता है? फ्लावर पार्ट से। नेक्स्ट इज आर कैबेज, कैबेज इज बेसिकली द लीफ पार्ट, जो हमें लीव्स वाले पार्ट से मिलता है। ये तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने नोट डाउन किए हैं, बट ऐसे ही अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो आपको कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में पता चल सकता है। ज़रूरी नहीं है आंसर यही हो, आपको अगर कुछ लगता है तो आप वो भी लिख सकते हो। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द गिवन आइटम्स इन कॉलम ए विद दैट इन द कॉलम बी। सबसे पहला हमारा है मिल्क, कर्ड, पनीर एंड घी। इसके बारे में अगर आप सामने वाले एग्जाम्पल्स देखें तो आपको क्या लगता है किसके साथ मैच डाउन होना चाहिए? ये क्या है? ये सब एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। सो इसका बेसिक, सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप देखें मेजरली हम इसको किसके साथ मैच कर सकते हैं? एनिमल प्रोडक्ट्स के साथ। सो दीज ऑल आर द एनिमल प्रोडक्ट्स। हमारा सेकेंड आता है स्पिनच, कॉलीफ्लावर एंड कैरेट। क्या है? प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। कौन कंज्यूम करता है? ह्यूमंस भी कंज्यूम करते हैं एज वेल एज एनिमल्स भी कंज्यूम करते हैं। तो स्पिनच, कॉलीफ्लावर एंड कैरेट को हम किससे मैच कर सकते हैं? वेजिटेबल्स से, क्योंकि ये सब क्या है? वेजिटेबल्स हैं। हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स से मिलते हैं। सो दीज ऑल आर वेजिटेबल्स। मूविंग टू द नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट है लायंस एंड टाइगर्स। लायंस एंड टाइगर्स क्या हैं? कार्निवोर्स हैं। आई होप आपको याद होगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया है। तो लायंस एंड टाइगर्स की अगर बात करें तो ये कार्निवोर्स हैं। इनका खाना क्या है? मीट खाते हैं, बाकी एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं। तो इसका हमारा बेसिक, इसका मैच क्या है? ईट अदर एनिमल्स। लास्ट रह गया हमारा हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स की बात करें तो हर्बीवोर्स क्या करते हैं? प्लांट्स कंज्यूम करते हैं या प्लांट के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। तो हमारा लास्ट ऑप्शन बचा भी वही है कि दे ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स।
मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या है, फिल अप द ब्लैंक्स विद दोज वर्ड्स गिवन बिलो. हमारे पास हिंट्स ऑलरेडी गिवन है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं. हमारा फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ओनली ईट्स मीट. हमारा जो टाइगर है वो क्या कंज्यूम करता है, मीट कंज्यूम करता है. मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी पढ़ाया था. तो जो हमारे ऑर्गेनिजम्स या जो एनिमल्स हमारा मीट कंज्यूम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कार्निवोर्स. तो ये आता है हमारा फर्स्ट. अब आता है हमारा सेकेंड, दैट इज डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड. अब जो हमारा डियर है वो क्या खाता है, सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है. तो जो हमारे ऑर्गेनिज्म सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हर्बीवोर. दैट इज आर बी पार्ट. सी पार्ट है पैरेट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट्स. पैरेट कौन से प्रोडक्ट्स खाता है, सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है. क्यों, क्योंकि वो भी एक हर्बीवोर है. तो पैरेट ईट्स ओनली. नेक्स्ट आता है हमारा द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज बफलोज एंड गोट्स इज एन एनिमल प्रोडक्ट. जो हमारा एक फूड हमें एनिमल्स से मिलता है, जो हम कंज्यूम करते हैं, हम भी ड्रिंक करते हैं, हमें काउज से मिलता है, बफलोज से मिलता है, गोट से भी मिलता है, वो क्या है, एक एनिमल प्रोडक्ट है. और वो क्या चीज है, मिल्क. दैट इज आवर डी पार्ट. लास्ट इज वी गेट शुगर फ्रॉम. हमें शुगर कहाँ से मिलती है, शुगर केन से मिलती है. हमारा लास्ट हिंट बचा भी वही था. तो लास्ट हमारा आंसर है शुगर केन. विद दिस हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट होते हैं एंड हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप रिवाइजिंग.